हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। इससे पहले की वीडियो में हम बात कर चुके हैं, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री की शायद पार्ट टू होगा, उसमें हमने बात की थी कन्फर्मेशन ऑफ एथेन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पहले उसको देखिएगा, फिर उसके बाद इसको देखिएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में मिल जाएगा। कन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन उसी से रिलेटेड है, उसी तरह से है, बस उसमें एथेन था, यहाँ पर ब्यूटेन है, थोड़ी सी चेन बड़ी हो जाएगी। तो हम देखते हैं नॉर्मल ब्यूटेन का। तो सबसे पहले नॉर्मल ब्यूटेन का हमें फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है हमारा नॉर्मल ब्यूटेन का। ये होता है CH3 CH2 CH2 CH3, इसे हम कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, इसका नाम होता है नॉर्मल ब्यूटेन। इसका हम देखने वाले हैं कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन क्या होता है आपको उसी वीडियो में पता चलेगा, पहले वाली में। कन्फर्मेशन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन। तो अभी देखिए हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन ये है, हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा CH3 ऐसे ही हो और ये वाला C और ये CH3 ऐसे ही हो, और यहाँ पर जो दोनों एच है मैं इन दोनों को बस खोल दे रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो अब आपको ये कुछ फिशर प्रोजेक्शन की तरह दिख रहा है, चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे फिशर प्रोजेक्शन की तरह दिख रहा है ये। इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये वाला CH3, पहले CH3 हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद एक कार्बन, ये कार्बन, फिर इस कार्बन के बाद फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, उसके बाद एक CH3, इसके बाद एक CH3, फिर इससे लगे हुए ये दोनों हाइड्रोजन, फिर इससे लगे हुए ये दोनों हाइड्रोजन। तो ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है, चाहे इसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें। तो ये हमारा कन्फर्मेशन फिशर प्रोजेक्शन में है हमारा नॉर्मल ब्यूटेन। तो अब हमें जब कन्फर्मेशन देखना होता है तब हम उसको देखते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन में, क्योंकि उसमें देखना हमें थोड़ा सा सिंपल होता है, उसमें हमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करने में उसका कन्फर्मेशन जब करते हैं तो उसमें ईजिली समझ में आता है। तो इसको हम न्यूमन में कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट कैसे करना है इस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं पहले, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे। इसको हम इस तरह से करते हैं, फिर उसके बाद एक कार्बन हम इस तरह से ड्रा करते हैं, फिर यहाँ पर दोनों पर एच आ जाएगा, यहाँ पर CH3 और CH3 एक यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा एच। फिर इन दोनों को जब हम मर्ज करते हैं, इसको उठा कर यहाँ पर रख देते हैं, मतलब ये फर्स्ट कार्बन होता है, हमारा सेकंड कार्बन होता है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, और इन दोनों के कार्बन के बीच में ये बॉन्ड जो है वो इसके ऊपर रहता है, वो बॉन्ड हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे कि एक ये हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन का बॉन्ड और ये हो गया सेकंड कार्बन का, एक लिस्ट में ही हम बनाते हैं पहले। यहाँ पर हमारा CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, और यहाँ पर एच और यहाँ पर एच, ये फॉर्म होता है हमारा इक्लिप्स्ड, ये होता है न्यूमन में होता है हमारा इक्लिप्स्ड। और इसको हम अगर 60 डिग्री अगर रोटेट कर दें तो ये हमारा हो जाता है स्टेगर्ड। इसको मैंने रोटेट कर दिया 60 डिग्री, ये CH3 यहाँ पर आ जाएगा और ये H यहाँ पर और ये H यहाँ पर, इसे हम कहते हैं स्टेगर्ड। ये होता हमारा इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, ये होता हमारा स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। तो अब तक आपने क्या देखा, नॉर्मल ब्यूटेन इस तरह का भी होता है, नॉर्मल ब्यूटेन हम इस तरह से भी कर सकते हैं, फिशर में हम नॉर्मल ब्यूटेन इस तरह से, और न्यूमन में नॉर्मल ब्यूटेन हमारा इस तरह से होता है। तो अब हम इसका कन्फर्मेशन देखते हैं, इसका कन्फर्मेशन कैसे करना हमें। तो सबसे पहले हम लेंगे इसको, ये तो बस बेसिक मैंने समझाया है कि नॉर्मल ब्यूटेन हमारा न्यूमन में इस तरह से आता है, ये होता है हमारा नॉर्मल ब्यूटेन, स्पेशली हमें इसकी ही ज़रूरत है, इसको लेकर ही हम करेंगे अब कन्फर्मेशन।
तो हमारे पास वहाँ पर क्या था, हम उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर सी एच थ्री था और यहाँ पर एच और यहाँ पर एच, और हमारा ये हो गया हमारा फ्रंट कार्बन, ये हो गया हमारा बैक कार्बन। स्टेगर्ड वाला हमें लेना था, ये सी एच थ्री हो जाएगा हमारा और ये एच और ये यहाँ पर एच, ये होता है हमारा, ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन। ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसका कन्फर्मेशन करना है हमें, जैसे कि ये फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन हो गया हमारा, ये फर्स्ट कार्बन और इसके पीछे ये सेकंड कार्बन। अब ये कार्बन कार्बन के बीच में ये रोटेशन होता है। रोटेशन कैसे होगा, ये फर्स्ट कार्बन है और इससे एक बांड लगा हुआ है ये बैक वाले कार्बन से, ये जो पीछे वाला कार्बन है एक बांड उससे। अभी हम फर्स्ट वाले को कांस्टेंट रहने देंगे, उसको वैसे ही रहने देंगे, और ये पीछे वाला जो बांड है ये वाला जो है इसको हम रोटेट करेंगे 60 डिग्री। अगर आप 60 डिग्री इसको रोटेट करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपका ये वाला बांड ऐसे ही फिक्स रहेगा, यहाँ पर सी एच थ्री और यहाँ पर एच और यहाँ पर एच, लेकिन ये वाला बांड हमारा 60 डिग्री रोटेट करेगा। 60 डिग्री रोटेट कैसे करेगा, ये बांड और ये बांड के बीच में एंगल जो होता है वो 120 का है। अब ये 60 डिग्री रोटेट करेगा यानी कि ये बिल्कुल हाफ डिस्टेंस पर, यानी कि ये 60 पर है, तो ये यहाँ पे 60 डिग्री रोटेट करके आएगा तो ये इसके पास आ जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा हमारा रोटेट। तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पर देखें, ये वाला आ गया हमारा सी एच थ्री यहाँ पर, ये वाला सी एच थ्री रोटेट होकर इसके पास आया, ये आ गया यहाँ पर, और ये वाला एच यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला एच यहाँ पर और ये वाला एच यहाँ पर आएगा। ये हो गया हमारा एच, ये हो गया हमारा 60 डिग्री रोटेशन। ये हमारा स्टेगर में था, ये हो गया हमारा एक्लिप्स में। अब 60 डिग्री हम फिर से रोटेट करेंगे, ये जो हम रोटेट कर रहे हैं इसी को हम कह रहे हैं कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन। तो हम पहले फर्स्ट वाला कार्बन यानी फ्रंट वाला कार्बन जो हम उसको फिक्स रखते हैं, ये सी एच थ्री को हम ऐसे रहने देंगे, और इसके पीछे वाला जो कार्बन है उसको हम 60 डिग्री फिर से रोटेट करेंगे। फिर से रोटेट करेंगे तो ये एक बांड यहाँ पर आएगा, दूसरा यहाँ पर आएगा, तीसरा यहाँ पर आएगा, तो इस वाले बांड से इधर आएगा सी एच थ्री, बाकी दोनों पे एच आ जाएगा, ये इस तरह से। अब देखिए, अभी इसको आपको इतना रोटेट करना है कि रोटेट करने के बाद आपको एग्जैक्ट यही मॉलिक्यूल मिले। अभी ये सी एच थ्री हमारा इस साइड है, अभी हमने 60 डिग्री रोटेट किया, अभी इस साइड आया, फिर 60 रोटेट किया तो इस साइड आया, अभी हम और रोटेट करके जब तक कि ये यहाँ पर ना पहुँच जाए, तो इसलिए हम इसको और रोटेट करते हैं यहाँ पर 60 डिग्री और रोटेट करें इसे हम, तब क्या मिलेगा, फ्रंट वाला तो हमारा फिक्स रहेगा ये सी एच थ्री और ये एच, और बैक वाला जो है हमारा इस बार एक लिफ्ट बनेगा, पहले बांड बना लें, और सी एच थ्री आ जाएगा आपकी बार यहाँ पर, और एच यहाँ पर है और एक एच यहाँ पर है, ये हो गया 60 डिग्री रोटेशन। फिर से 60 डिग्री अगर कहीं किया जाए, इसी तरह से आप 60 डिग्री रोटेशन करके जब तक कि हमें वही मॉलिक्यूल फिर से ना मिल जाए। ये हमारा सी एच थ्री और ये एच और ये एच ऐसे ही रहेगा, और ये फ्रंट वाला फिर से 60 रोटेट किया, फिर से एक बांड यहाँ, एक बांड यहाँ, एक बांड यहाँ पर आएगा और सी एच थ्री आ जाएगा हमारे यहाँ पर, और ये दोनों एच यहाँ पर आ जाएंगे। अभी भी हमें वो मॉलिक्यूल नहीं मिला है, तो हम फिर से 60 डिग्री रोटेट करेंगे। फिर से रोटेट करने पर क्या होगा, ये तो वैसे ही रहेगा सी एच थ्री और यहाँ पर एच और यहाँ पर एच, और पीछे वाला फिर से रोटेट हो जाएगा, एक लिफ्ट में आ जाएगा, एक बांड यहाँ पर और एक बांड यहाँ पर और एक बांड यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा सी एच थ्री और ये एच और ये एच,
अब ये मालिक्यूल वो नहीं है, लेकिन अब इसको फिर से आप 60 डिग्री रोटेट कर दोगे तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, यानी ये बिल्कुल इस जैसा मालिक्यूल हो जाएगा। हाँ, अभी जब मैंने बनाया है तो यहाँ पर इक्लिप्स के पीछे ये थोड़ा थोड़ा बीच में गैप दिख रहा है, तो ये गैप होता नहीं है, एक्चुअल में ये गैप होता नहीं है, दोनों एक बॉन्ड एक दूसरे के पीछे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो पीछे की साइड ड्रॉ ही नहीं हो पाएगा, इसलिए दिखाने के लिए हमें थोड़ा सा इधर बनाना ही पड़ता है। तो आप इसको बिल्कुल ऐसा बनाइए कि ये इसे सटा रहे, बस मैंने थोड़ा सा गैप बनाया ताकि आपको क्लियर दिखे। तो ये दोनों एक ये फर्स्ट वाला बॉन्ड, ये फर्स्ट कार्बन का बॉन्ड और ये पिछले वाले कार्बन का बॉन्ड, सेकंड कार्बन जो है ये हमारा फ्रंट वाला या रियर वाला, तो ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के पीछे होते हैं। जैसे कि ये हमारा अगर फ्रंट कार्बन है और ये हमारा बैक कार्बन है, अगर इससे कोई बॉन्ड लगा हुआ, इधर एक बॉन्ड अगर ये लगा हुआ है तो इसके पीछे ही एक बॉन्ड इधर लगा होगा, इसके पीछे, ठीक पीछे एक बॉन्ड इस तरह से लगा हुआ होगा जो कि आपको दिखेगा नहीं, ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के पीछे ही होंगे, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बता दें। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा कन्फर्मेशन, 60 डिग्री रोटेट करके हम इसका कन्फर्मेशन इस तरह से देख लेंगे। अब हम करते हैं ये हमारा स्टेगर्ड इक्लिप्स, इसकी हम कर लेते हैं नंबरिंग। अब ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हमारा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो अब हमें कितना स्टेगर्ड मिला, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। स्टेगर्ड हमारा कौन कौन है, स्टेगर्ड में है हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। अब बात करते हैं फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ में तीनों स्टेगर्ड है तो अब इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है। देखिए ये CH3, ये CH3 दोनों आपस में पास पास हैं, और ये CH3 एक दूसरे से अपोजिट साइड पर हैं, यानी कि जितने दूर हो सकते हैं उतने दूर पर हैं, और ये CH3 दोनों फिर से पास में हैं। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ से, ये 60 डिग्री, पहले आप स्टेगर्ड वाला देखिए, ये स्टेगर्ड, तो यहाँ से ये इसका एंगल जो है वो 60 डिग्री, और यहाँ पर भी इसका एंगल जो है वो 60 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल है 180 डिग्री। तो ये सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन होगा, क्योंकि ये CH3 सबसे, मान लो यहाँ पर जो बड़ा वाला ग्रुप है ये इतना बड़ा है और ये छोटा सा है, तो ये दोनों बड़े बड़े ग्रुप जो हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट पर हैं, तो वो दोनों जो एक दूसरे के 180 डिग्री पर हैं तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा यहाँ पर, ये थर्ड वाला हमारा इन दोनों से स्टेबल होगा, 1.5 थर्ड वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा इन दोनों से। अब बात करते हैं इक्लिप्स्ड वाले की, इक्लिप्स्ड हमारे पास कितना है, इक्लिप्स्ड सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, फोर्थ एंड सिक्स। हाँ, अब इसमें देखते हैं क्या है इसके बारे में। सेकेंड वाले में क्या देखेंगे, ये CH3 और ये CH3 120 डिग्री पर है, और इसमें ये CH3 120 डिग्री पर है, और ये CH3 0 डिग्री पर है। ये दोनों एक दूसरे के बॉन्ड जो पीछे, इन दोनों में कोई भी एंगल नहीं होता है, ये दोनों इसके पीछे ही है, तो इसमें एंगल 0 डिग्री है। तो इसमें सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल कौन सा है, तो ये CH3 दोनों आपस में एक दूसरे के पीछे हैं। जैसे मैंने अभी बताया था ना, एक बॉन्ड ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये फ्रंट कार्बन आपकी तरफ से है और ये रियर कार्बन, एक बॉन्ड इससे लगा हुआ है CH3 और इससे पीछे लगा हुआ है CH3, दोनों एक दूसरे के पीछे हैं, इसमें 0 डिग्री एंगल है, इसमें टर्सनल एंगल 0 डिग्री है, और जबकि उसमें एक फ्रंट कार्बन इधर है और दूसरा वाला इधर है, 120 डिग्री पर है, तो ये जो दोनों एक दूसरे के पीछे हैं वो इसमें ज़्यादा, ये सबसे लेस स्टेबल होगा, क्योंकि ये दोनों CH3 आपस में
एक दूसरे के पीछे हैं और इसमें एंगल जो है वो 0 डिग्री है और इक्लिप्स वाले में इन दोनों में एंगल 120 डिग्री है। तो इसमें सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल है ये सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल है 6। तो सबसे पहले 6 आ जाएगा हमारा यहाँ पर और उसके बाद बच्चा हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ। अब ये स्टेगर्ड में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर उसके बाद ये, और इसमें सबसे ज़्यादा इक्लिप्स में ये वाला स्टेबल, सबसे लेस स्टेबल ये। अब तीनों का मिला के आर्डर लगाएंगे आप तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, ये हो जाएगा थर्ड, फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट, फिर उसके बाद फिफ्थ, फिर उसके बाद आएगा ये वाला सेकंड, फिर इसके बाद आएगा ये फोर्थ, फिर उसके बाद आएगा ये सिक्स। ये हो जाता है इसका ऑर्डर कौन ज़्यादा स्टेबल है इक्लिप्स और स्टेगर्ड में। हाँ, तो इसमें एक चीज़ और आप देख लीजिए, ये थर्ड वाला जो है, हाँ इसमें थर्ड वाला, ये थर्ड वाला है ना, तो इसमें सी एच थ्री दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड पर हैं। तो ये तो स्टेगर्ड तो है, ये तो है, आपको पता चल गया ना। अब ये थर्ड का अलग से नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एंटी कन्फर्मेशन। और ये तो हो गया इसका, और इन दोनों का नाम होता है गाउच कन्फर्मेशन। और इसका नाम होता है सेकंड एंड फोर्थ का इक्लिप्स्ड, जो कि आप जानते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन आप लिख लेंगे, और ये सिक्स वाले को कहते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड। हाँ, इसको इक्लिप्स्ड कहा ठीक है, इसको फुल्ली इक्लिप्स्ड क्यों कहा, तो आप सिक्स वाला देखेंगे, ये CH3 के पीछे CH3 है, यानी कि वो एक दोनों दूसरे को पीछे से अच्छी तरह से कवर करेगा। और इसमें देखेंगे ये CH3 के पीछे H है और इस CH3 के पीछे H है, तो एक बड़ा सा ग्रुप, एक छोटा सा ग्रुप। अगर आप छोटे साइड वाले देखेंगे तो पीछे बड़ा वाला भी थोड़ा बहुत दिखेगा, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो CH3 जितना है उतना ये वाला CH3 है, तो दोनों अगर आप उसको सामने से देखेंगे तो पीछे वाला पूरा कवर हो जाएगा, वो नहीं दिखेगा, इसीलिए इक्लिप्स्ड है और ये वाला फुल्ली इक्लिप्स्ड। बस हो गया ये हमारा कन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।